नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में विराजमान रामलला की जो मूर्ति है, उस मूर्ति को बनाने वाले जो शख्स हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका नाम है अरुण योगीराज। इनका जो पूरा परिवार है, या ये कहें कि ये खुद कहते हैं कि हम एक शिल्पकार परिवार से आते हैं। हमारे जो पिता के पिता के पिता हैं, वो सभी के सभी शिल्पकार ही थे। ये खुद को विश्वकर्मा की ही संतानें बताते हैं, बल्कि इनके जो नाम के पीछे लगता है वो विश्वकर्मा ही लगता है। और आप जानते हैं कि विश्वकर्मा कौन थे, जिन्होंने हमारे जो हम भगवान जिन्हें मानते हैं, या महाभारत काल में जितने भी, चाहे इंद्रप्रस्थ हो, वो सब भी उन्होंने ही बनाया था। भगवान के बाद अगर कोई शिल्पकारिता के अंदर किसी का नाम आता है तो वो इन्हीं का ही आता है, विश्वकर्मा जी का ही आता है। खैर, अब इन्होंने जो मूर्ति बनाई है रामलला की, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां डाली हैं। और वो खूबियां जब डिस्क्राइब ये कर रहे थे तो ये इस तरीके से बताते हैं जिसे सुनकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं, पहली बात तो ये यही कहते हैं कि मैंने किसी तरह की कोई मूरत नहीं बनाई। मतलब हाथ इनके अवश्य थे, लेकिन मूरत बनाने का जो सारा क्रेडिट ये देते हैं वो भगवान श्री राम को ही स्वयं देते हैं। ये कहते हैं, भगवान की कृपा है कि उन्होंने खुद मुझे चुना है इस कार्य के लिए, उनकी तरफ से ही मैंने ये कार्य किया है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। साथ के साथ ये भी बताते हैं कि मैं रोज रामलला की इस मूरत से बातें करता था। मैं रोज कहता था भगवान को कि आप सबको दर्शन देना, लेकिन सबसे पहले मुझे दर्शन देना। ये रोज उनसे बातें कर करके ये बात कहते थे कि सबसे पहले दर्शन आप मुझे ही देना। इनका कहना है कि जैसे ही रामलला की मूरत के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई, मुझे लगा ही नहीं कि ये वही मूरत है जो मेरे हाथों से बनाई गई है, जो मेरे हाथों के द्वारा बनवाई गई है। मुझे लगा ही नहीं कि वही सेम मूरत है जो मैंने, जिसके बारे में सोचा, जिसके बारे में विचार किया, या जो थॉट्स मेरे अंदर आए, मैंने उस प्रकार से इस मूरत को बनाया। जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, वैसे ही रामलला का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। वो बिल्कुल मेरे भगवान के, कहते हैं ना, भगवान की जो जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनके अंदर पूरे के पूरे भगवान समा जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये कहते हैं, मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया कि ये सच में ये कलाकारी मेरे हाथ की थी। प्रभु के जो हाव भाव थे वो बिल्कुल बदल गए थे। ये कहते हैं कि अगर मुझसे कोई दोबारा भी ये कहे ना कि आप दोबारा से एक मूरत को तैयार कीजिए या दोबारा से इस चीज को बनाइए, लेकिन मैं दोबारा नहीं बना सकता, कभी बना ही नहीं सकता। मैं ऐसा दोबारा कर ही नहीं सकता कि जो अब बन गया है, जो अब मेरे द्वारा बनवाई गई है, भगवान के द्वारा बनवाई गई है, अब वो दोबारा से मेरे हाथों से नहीं बन सकती। जिसने भी इनको मूर्ति बनाते हुए देखा था, वो सभी का यही कहना है कि ये नंगे पांव इस मूर्त को बनाने में, उभारने में लगे हुए थे। साथ के साथ इनका ये भी कहना है कि कहते हैं कि जब तक आपके मन में स्वयं राम नहीं बस जाते, जब तक जिसकी मूरत आप बनाने वाले हैं वो भगवान आपके मन के अंदर स्वयं बस नहीं जाते, तब तक आप उस मूर्ति का, जो कहते हैं ना, उनका जो मुख है या उनका जो विग्रह है, वो आप नहीं बना सकते। कहते हैं ना कि अगर आप राम को मानते हैं तभी आपके मन में ये आएगा कि वो राम है, और तभी आप उसी अनुसार उनका जो चित्रण है वो करेंगी। लेकिन अगर आप मानते ही नहीं है, आपके मन के अंदर प्रभु श्री राम बसे ही नहीं है, तो आप बना ही नहीं सकते। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आप वैसी मूरत, वैसी सूरत नहीं बना सकते। इनका साथ साथ ये भी कहना है कि भगवान खुद आते थे मेरी मदद करने के लिए। ये कहते हैं कि जो जितनी भी जानकारियां मुझे मिली हैं, वो भगवान ने खुद मेरे पास भेजी हैं। मैंने उन्हें कोशिश जरूर की, लेकिन मेरी कोशिश मुश्किल से 10% थी, बाकी 90% भगवान खुद मुझे बुला रहे थे, खुद मेरे सामने वो जानकारियां ला रहे थे। अब उन जानकारियों के अंदर इनका कहना है कि कुछ ऐसी फेस, यानी कि कुछ ऐसी मूर्तियां भी मुझे मिली हैं जो 400 साल पुरानी थी। कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर, कि रामलला कैसे दिखते थे। मतलब कई बहुत सारे महर्षि ऋषियों के द्वारा लिखित कई किताबें, कई व्याख्यान इस तरह के मैंने उठाए, तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे इस तरीके से स्वरूप बनाना है। इनका ये भी कहना है कि भगवान
स्वयं मेरे दरवाजे पर आते थे, यानी कि हनुमान जी स्वयं मेरे दरवाजे पर आते थे, दरवाजा खटखटाते थे, मुझे देखते थे, यानी कि इस मूरत को उभारते हुए वो देखते थे और चुपचाप देखकर चले जाते थे। दरअसल क्या होता था कि इनके जो जानकारियों के अनुसार इन्होंने बताया है, ये कहते हैं कि शाम को 4 से लेकर 5 बजे के बीच में एक बंदर स्वरूप मेरे दरवाजे पर आता था। वो आता था, दरवाजा खटखटाता था और ठंड के कारण जब भी हम दरवाजा बंद करने की कोशिश करते थे तो वो बंदर बहुत जोरों से उस दरवाजे को खोल देता था, बहुत ही जोर लगाकर, आवाज भी आती थी। और फिर उसके बाद वो आराम से वहां बैठकर ये देखता था कि मूर्ति बन रही है, मैं मूर्ति से बातें कर रहा हूं, वो सब कुछ निहारता था, सब कुछ देखता था और चुपचाप वहां से चला जाता था। ये सब कुछ जो हो रहा था, इस सब कुछ को देखने के बाद ये कहते हैं कि मुझे स्वयं ये यही लगता था कि वो हनुमान जी का स्वरूप बनकर आते थे और ये सब करते हुए उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है, उन्होंने ही मेरी मदद की है। ये कहते हैं कि पिछले 7 महीने से, क्योंकि रामलला की मूर्ति बनाने में लगभग इतना ही समय गया है या इससे ज्यादा भी गया है, तो पिछले 7 महीनों से ये ढंग से सो नहीं पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां, कुछ बातें, कुछ दिमाग में इनकी लगभग घूमती ही रहती थी, जिसके कारण ढंग से ये सो नहीं पाते थे। इनका ये भी कहना है कि जो भगवान रामलला की जो मूर्ति बनी है उसको 51 इंच का बनाने के लिए सबसे ज्यादा प्रमाणित तरीके से बताया गया। ये कहा गया कि वैज्ञानिकों का ये प्रमाण, ये मत है, और साथ के साथ उनकी जो गणना है, जो उनका गणित है, वो यही कहता है कि रामलला की मूर्ति वो 51 इंच की ही होनी चाहिए। इसका कारण ये था कि जब सूरज की किरणें सीधा रामलला की मूर्ति पर पड़े तो सीधा वो मस्तक पर पड़नी चाहिए, इसी कारण से वो 51 इंच से बड़ी या 51 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट 51 इंच की ही होनी चाहिए। ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो इन्होंने दीपावली के मौके पर, दीपावली के आसपास हर समय जुटाते रही, हर समय ये जानकारियों के बारे में सोचते रहे, ढूंढते रहे और कई तरह की जानकारियां ढूंढ कर ही इस तरह की मूर्त उभरी है, इस तरह से हमारे रामलला विराजमान हुए हैं और उनकी ये इतनी सुंदर मूर्ति उभर कर सामने आई है। आप सबका रामलला की मूर्त को लेकर जो भी विचार हो, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।